अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फर्स्ट ऑफ़ ऑल ईद मुबारक। और अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ वगैरह आ रही है तो दैट इज़ बिकॉज हमारे घर में मेहमान आ जा रहे हैं। इट्स लाइक वेरी टफ फॉर मी टू मेक अ वीडियो राइट नाउ, बट आई एम मेकिंग इट। सो इस ईद पे आई हैव टोल्ड माई सेल्फ के आई एम नॉट गोइंग टू बी लेजी और मैं वीडियो भी बनाऊंगी और मैं तैयार भी होंगी, क्योंकि मोस्टली मैं ईद पे तैयार नहीं होती, मैं जस्ट सोती रहती हूँ। बट इस ईद पे आई वाज लाइक आई एम गोइंग मेक अ वीडियो। सो आई डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ यूजुअल व्लॉग काइंड वीडियो, आई शुड मेक लाइक इंस्टा कंट्रोल्स माई ईद मेकअप लुक या इंस्टा डिसाइड्स माई ईद मेकअप लुक काइंड ऑफ वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इग्नोर दिस हैंड मेहंदी, मुझे पता है बहुत गंदी है, मैंने खुद लगाई है, बट लीव इट। वी हैव अ बंच ऑफ मेकअप ओवर हियर, अ लॉट ऑफ देम आर आई शेडो पैलेट से, सारे ब्लशेज वगैरह हैं। एंड या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नो इंस्पो ऑफ द मेकअप लुक वट्सो एवर। आई हैव अ रेड ड्रेस और बस आई थिंक आई इम्प्रोवाइज, आई जस्ट डोंट नो। ओके, सो द फर्स्ट पॉल दैट आई हैव पुट अप वाज ऑफ दिस। दिस इज अ कंसीलर, अ कलर करेक्टर, अ कॉन्टोर, एवरीथिंग इज इन देयर। बट जो कि पॉल मैंने डाला तो मैंने इसके कंसीलर के लिए डालता है ये वाला। आई ऑल्सो हैव अनदर कंसीलर विच इज फिट मी कंसीलर, ये मैं भूल गई थी डालना इसका पोल, बट चला खैर है। फर्स्ट जब मैंने पोल चेक किए थे तो इट वॉज लाइक अ नो, एंड आफ्टरवर्ड्स अभी मैंने चेक किए सो इट्स हैज अ येस, टू वी आर गन अप्लाई दिस। The amount of cuteness that these things hold is... Okay, so afterwards जो कि मैंने पोल डाला था that was for these two foundations के which one should I apply? I really really wanted you guys to choose this one क्योंकि it gives like more of a natural look और ज़्यादातर मैं यही लगाती हूँ, that's why it's like half empty. But a lot of you chose this one, so we are gonna go with this. It's I don't like this one as much, but let's just see. Bas abhi to yahi lagana padega. Tricky one, that is eyeshadow palettes. I have a ton of eyeshadow palettes over here, but इसमें एक बात ये है कि जो एक आई शेडो, मतलब जो कि मुझे चाहिए जो द राइट कलर आई वॉन्ट, तो एक में है वो दूसरे में नहीं है, दूसरे में तो वो तीसरे में नहीं है, और जो आप लोगों ने चूज़ किया है फिर उसमें भी बहुत मसला आ रहा है। तो आई डोंट नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं कौन सा वाला पोल लगाऊं इनके लिए, बट मैंने पोल डाला था दैट वाज बिटवीन दिस वन, ये वाला थोड़ी था। इस वाले में ये चीज़ थी कि इट हैज़ काइंड ऑफ लाइक ऑल ब्लू कलर्स, ब्लूइश टाइप ऑफ टोन्स आर देयर। अच्छा जी, ये मैंने तोड़ दिया। दिस वन पैलेट गॉट द मोस्ट वोट्स। द इंस्पो दैट आई एम लुकिंग फॉर ऑन द विजन दैट आई हैव राइट नाउ इज आई एम गोना डू लाइक अ गोल्डन सिल्वर brownish maroonish kind of look for the eyes. I really don't know there are like no silverish tones isme nahi hai. Okay, so I think I'm gonna go with both these two. I know aap logon ne ye wala choose kiya hai, but I have to like also look good. Isme na to wo wala golden shade hai which I want aur na hi isme koi silver sa shade hai, so I am sorry but you know it has to go. And then we have these two palettes, which I'll show you guys. This one palette as well. It's this one. And I think I can work with a shade or two from this. Or ek aur shade mein is wale palette se lagaungi. So yeah. I was not making this video, I would have gone for a very natural type of look. और उसमें I don't think that I was going to apply any eyeshadow or anything like that. But since I am making this video right now, so for that purposes I decided कि ना I had to include a lot of makeup in there. I am applying eyeshadow, there should be liner as well because I think it just completes the look, you know. So the poll was कि should I apply eyeliner or not, and a lot of you guys said yes. इस वाली आंख का मैंने आईलाइनर लगा लिया है, आई एम गोना अप्लाई मस्कारा एंड आई एम गोना सी हाउ इट लुक्स एंड देन आई एम गोना गो विद दिस वन। आई एम सो स्कैर्ड, आई स्वेयर आई एम सो स्कैर्ड। ओके, सो बोथ ऑफ माय आईज आर डन
एंड आई टेक केयर ऑफ दिस थिंग लेटर ऑन बट अभी आई एम जस्ट गोना डू माय ब्राउज आई जस्ट ब्रश माय ब्राउज आई डोंट रियली यू नो गिव अ शेप टू देम और फोल्ड जो मैंने डाला था दैट वाज फॉर ब्लश और वो मैंने डाला था इन चारों के बीच में इट्स अ टेंट ये नया वाला है ये मैंने अभी भी खरीदा अपने लिए एंड देन इट वॉज दिस पैलेट विच यू शो यू गाइस हाउ प्रिटी दिस ब्लश पैलेट इज बट यू गाइस डिड नॉट चूज दिस वन एंड देन वी हैव लाइक दिस क्रीम ब्लश जो कि मैं ज़्यादातर अगर यूनिवर्सिटी वगैरह जाती थी ना तो मैं ये वाला लगाती थी आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट फोकसिंग बट ये वाला इट्स ऑलमोस्ट फिनिश एज वेल बट इट गिव्स लाइक अ मोर नेचुरल लुक और ये वाला जो है तो ये वाला इट ऑल्सो जिस मोर नेचुरल लुक बट इट इज़ मोर पिंकिश और इट इज़ मोर लाइक अ रेडिश टाइप ऑफ टोन बट आई एम हैप्पी विद योर गाइस चॉइस एज वेल दिस टिंट इज ऑल्सो रियली नाइस सो अनदर पोल दैट आई हैव पुट अप वाज फॉर दिस हाईलाइटर दैट शुड आई अप्लाई हाईलाइटर और नॉट एंड अ लॉट ऑफ यू गाइस सेड येस सो वी आर गोइंग टू बी अप्लाइंग इट Okay, so the last pole that I put up was for lipstick and that was between this one. It's like this pencil kind of lipstick. I apply it and it also gives a really natural type of look or this tint. And a lot of you guys chose this lipstick, this lip pencil, sorry. So we are going to be going for this. Or iske upar there is going to be like some kind of lip gloss thing going on with this. So yeah. इट्स ईद डे थर्ड और आज जो है तो मैं दोबारा तैयार हुई हूँ वही ड्रेस मैंने पहना है ईद डे फर्स्ट का वही ज्वेलरी और मेकअप में मैंने थोड़ी सी अल्ट्रेशन वगैरह की हैं बिकॉज आई वॉज जस्ट वॉजेंट लुकिंग गुड दैट डे और मेरी वीडियोज़ भी अच्छी नहीं आई थी और मेरे पिक्चर्स भी अच्छे नहीं आए थे सो मैं आज दोबारा तैयार हुई हूँ सिर्फ वीडियोज़ और पिक्चर्स के लिए एंड यहाँ सो दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग एंड दिस इज़ द ड्रेस एंड आई एम गोना सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय